हे मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कोई भी बुक में से कुछ भी पढ़ते हो तो आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जब रहता है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना कॉपी इमेज के थ्रू काफी मुश्किल होता है। तो करना क्या है आज मैं वही बताने वाला। सबसे पहले जो भी आप लोग को इंग्लिश में दिया हुआ पेज है या कुछ भी है तो आप सबसे पहले एक अच्छा सा फोटो खींच लो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद में आपको काफ़ी सिंपल 3 स्टेप अपनाना है। मैंने फोटो लो, उसका गूगल प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ पर गूगल इमेज या फिर गूगल आप लेंस सर्च कर लो, गूगल फोटो, और उसे अपडेट कर लो या कुछ भी है ओपन कर लो, इंस्टॉल कर लो। देन उसके बाद उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको उसकी गैलरी खोल लेनी है गूगल इमेज की, और उसके बाद में आप लोग को यहाँ गूगल लेंस दिख रहा है, लेंस पर क्लिक करना है। होने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लोग को जो पार्ट चाहिए उसे सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद देन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे गूगल ट्रांसलेट करने का एक ऑप्शन आएगा, बस ट्रांसलेट कर लो। काफी आसानी माध्यम से कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ज्यादा जानना है तो मैं एक फुल वीडियो बना रखा हूँ, पिन कॉमेंट में दिया गया है, जाके वहां पर आप देख सकते हो, कॉमेंट चेक कर लो।